ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां राष्ट्रीय आपदा नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान से लेकर अब तक जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सिमवार मोड़ विंदायका मूर्ति नगर विस्तार JDA कॉलोनी पटेल नगर विंदायका औद्योगिक क्षेत्र 5 नंबर रोड 10 नंबर रोड मूर्तिकार कॉलोनी गणेश विहार JDA कॉलोनी में यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाकारुणिक बुद्ध विहार जयपुर बौद्ध समुदाय द्वारा कोई भी भूखा ना रहे के तहत संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र बौद्ध के नेतृत्व में लॉकडाउन होने के बाद भोजन के पैकेट रोजाना 500 पैकेट सुबह शाम का भोजन के पैकेट जरूरतमंदों को वितरण कर रहे हैं। हर रोज दोनों टाइम जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा है। ये संस्था पिछले 18 दिनों से मानव कल्याण सेवा में समर्पित है। कोरोना संकट से निपटने के लिए हुए लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों रेहड़ी दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली है। उनके सामने उत्पन्न भोजन की समस्या के समाधान के लिए आगे आए हैं। ये लगातार 2 दर्जन टीम सुबह से रात तक खाने के पैकेट स्वयं तैयार कर सिमवार मोड़ विंदायका औद्योगिक क्षेत्र 5 नंबर रोड 10 नंबर रोड मूर्तिकार कॉलोनी गणेश विहार JDA कॉलोनियां और आसपास के क्षेत्र में भोजनदान किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अपील थी कि देश में लॉकडाउन सभी मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे और कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि ये अब तक जरूरतमंद लोगों में जो भोजन बांट रहे हैं वह स्वयं के खर्च तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपये की राशि दान की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जयपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। ये हम लोग 23 तारीख से शुरू किए हैं और इसको हम लॉकडाउन के दौरान किया है। तो लगभग हम एक टाइम का 100, 115, 117 लोगों का खाना दे रहे हैं। ठीक है। और शाम को भी इतना ही जा रहा है, शाम को हमारी संख्या बढ़ जाती है, 150 भी हो जाती अच्छा। है। और ये हमारे कार्यकर्ता हैं तो अड़ोस पड़ोस के ये लोग अपनी सेफ्टी के साथ यहाँ पे लोग सुबह भी और शाम को भी खाना बनाने का काम कर रहे हैं। और हम आशा की विंदायका इंडस्ट्रियल एरिया JDA कॉलोनी अपने 200 फुट बाईपास बजरी मंडी वैशाली शहर पे पांचे वाला आसपास के लगभग हम डेली जो जरूरतमंद हैं जिनके घर खुद का घर नहीं है या मजदूरी करते थे और जो किराए पे रह रहे हैं उनका कोई धंधा नहीं, उनका जिनका पैसे नहीं है उनके पास में भोजन खरीदने के सामान खरीदने के लिए, उनको हम लोग जरूरतमंद लोगों को ये दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये कदम उठा रखा है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए आपके एरिया में। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये देखो सर, महाकारुणिक बुद्ध विहार के द्वारा खाना वितरण कैंप लगाया जा रहा है और बहुत बढ़िया इन लोगों ने कदम उठाया है। आसपास में कोई भूखा नहीं सो रहा है,